हाय, मेरा नाम प्रिंस है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी गूगल एडसेंस में इस प्रकार से एरर आता है, अर्निंग एट रिस्क, यू नीड टू फिक्स सम ad.txt फाइल इश्यू टू अवॉइड साइबर इंपैक्ट टू योर रिवेन्यू। अगर इस प्रकार से एरर आपके गूगल एडसेंस में आता है तो कैसे आपको इसे सॉल्व करना है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एरर उन लोगों के पास आया होगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम वेबसाइट को ऐड किया होगा गूगल एडसेंस में। इसको सॉल्व करने के लिए ad.txt फाइल को अपलोड करना होगा आपके होस्टिंग के फाइल मैनेजर में। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आपको वीडियो के बारे में इसी प्रकार से अपडेट मिले। इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको गूगल एडसेंस पे जाना है, फिर आपको जाना है साइट पे। यहाँ पे देखोगे तो कुछ वेबसाइट है जिसमें से एक वेबसाइट में ad.txt फाइल नॉट फाउंड शो कर रहा है। आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, फिर आपको इस टेक्स्ट फाइल को कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको एक प्लगइन को डाउनलोड करना है अपने वर्डप्रेस साइट के लिए। यहाँ से आपको जाना है गूगल पे, फिर आपको सर्च करना है वन वे टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सर्च करना है वर्डप्रेस। अगर आप यहाँ पर देखोगे एक पोस्ट शो कर रहा है वर्डप्रेस फाइल मैनेजर का, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है अपने वर्डप्रेस साइट पे, फिर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है, फिर आपको क्लिक करना है प्लगइन। इसके बाद आपको इस प्लगइन को अपलोड करना है और इसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। अब आपको जाना है WP फाइल मैनेजर पे, फिर आपको टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना है, फिर आपको फाइल नेम डालना है ad.txt। अब आपको राइट क्लिक करना है और कोड एडिटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जिस भी कोड को आपने कॉपी किया था उसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, फिर आपको सेव एंड क्लोज पर क्लिक करना है और अगेन आपको जाना है गूगल एडसेंस पे। इसके बाद आपको चेक अपडेट पर क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है ओके। यहाँ पर देखोगे तो ad.txt फाइल वेरीफाई हो गया है। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करना।